Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are doing good. This is your science teacher. And as far as your subject is concerned, we were discussing about food and digestion. And today's topic is proteins. So, kya hote bata? Proteins. Proteins are macronutrients. Ye macronutrients hote hain, theek hai? And our body needs them to grow and repair damaged parts. So, our body, grow and repair. Kisko repair karti hai? Jo damaged parts hote hain, usko repair karti hai. Theek hai? To iska matlab ho gaya, jo hamari body hai, jo uske andar grow karta hai, jo uske andar repairing hoti hai, to ye sara kaam kaun karte hain? Yahi proteins karte hain. For example, pulses, fish, meat, cheese, eggs. We have three proteins hote hain, ki pulses honge, fish honge, meat, cheese aur eggs hoga. Yahan pe humne ek baat yaad rakhni hai beta, wo ye hai ki zyadatar animal products hote hain. Kya animal products hote hain? Man, ek fish hai, ye bhi animal product hai. हमारे पास मीट है, ये भी एनिमल प्रोडक्ट है. एक एनिमल हमें देता है, उसको हम बोलते हैं शीप या गोट हमें देती है, ठीक है. इसी तरह से हमारे पास मिल्क होता है, और ये मिल्क जो हमें देता है वो कौन होती है? वो एक गाय होगी, भैंस होगी, यानी बफेलो होगा, और एक बकरी भी हो सकती है, यानी गोट भी हो सकती है. और इसी मिल्क से हम क्या बनाते हैं? चीज बनाते हैं, पनीर बनाते हैं. इसके अलावा हमारे पास एग्स होते हैं, और एग्स हमें कौन को देता है? हैं और डक देती है, ठीक है. तो ये ज्यादातर क्या होते हैं? एनिमल प्रोडक्ट्स ही होते हैं, जिनमें क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. और कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स के बगैर कुछ प्लांट्स भी हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स भी हैं. जैसे बीन्स, पीस, ठीक है. तो ये सारे भी किस में आएंगे? ये पल्सेस में आएंगे. ये प्लांट प्रोडक्ट है, और इनमें क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. और हम इसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारी मसल्स को ग्रो करता है. जो हमारी बोन्स होती है, जो उसके ऊपर हमें फ्लैश ऑफ मीट मिलता है, वो हमारी मसल्स कहलाती है. वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, और इनकी ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन्स. इसीलिए जब किसी को अपना वेट इंक्रीज करना होता है, या जो कोई हमें ज्यादा स्किनी लगता है, स्किनी मीन्स
ऑरेंज में भी विटामिन सी होता है. इसी तरह से बहुत सारे विटामिन हैं, विटामिन बी है, विटामिन ए है, विटामिन ए अमाउंट में प्रेजेंट होता है. इसी तरह से विटामिन बी 12 है, विटामिन बी 6 है. तो ये बहुत सारे विटामिन होते हैं, लेकिन किसमें प्रेजेंट होते हैं? फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब है वेजिटेबल्स. जैसे हमें पता है वेजिटेबल्स हम रॉ खाते हैं सैलेड के टाइम पे, जैसे कि हमारे पास उसमें कैरेट आ गया, हमारे पास क्यूकंबर होता है, ठीक है, कैबेज होती है, टोमेटो होता है. तो हम इन चीजों को क्या किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? इन वेजिटेबल्स को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए सैलेड बनाने के लिए. और इनमें क्या प्रेजेंट होता है? इनमें विटामिन होते हैं, ये भी हमें विटामिन देते हैं. जैसे कि हमें बेटा पता होती है कि जो एक ह्यूमन बॉडी है इसमें प्रेजेंट होता है इम्यून सिस्टम. क्या इम्यून सिस्टम? जब एक बॉडी की बात हम करेंगे, इंसान के जिस्म की बात करेंगे, उसके अंदर इम्यून सिस्टम होता है. बीमारी से लड़ने का जो उसको अपनी जगह पे है, लाइक उसने कुछ फूड खाया, उसने फूड खा के एनर्जी ले ली, ग्रोथ भी कर दो, साथ ही साथ उसका इम्यून सिस्टम भी बढ़ गया. क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, लाइक बैक्टीरिया है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे जो होते हैं, जो अपने जिसमें चले जाते हैं, वो हमारी बॉडी उसके साथ लड़ती है. क्यों लड़ती है? क्योंकि उसके पास होता है इम्यून सिस्टम, इसके साथ लड़ने की ताकत, कुवत. ठीक है, तो जब हम ये विटामिन हम खाते हैं तो ये इम्यून सिस्टम जो है ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है. और जब ये स्ट्रॉन्ग हो गया, जब हम किसी इन्फेक्शियस बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, अगर एस्ट्रेस जुकाम चासन लाभ चासन ये चासन ये बीमार, इस इम्यून सिस्टम की वजह से क्या होता है? हम बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो तैयार हो गई होती है इसके लिए, इसके साथ लड़ने के लिए. इसी तरह से हमारे पास मिनरल्स होते हैं, मादानिया यानी सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर प्रेजेंट नेचुरली सॉइल. ये जमीन में क्या होता है? नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, कुदरती प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, सोडियम दैट हेल्प इन बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ एंड इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड. तो देखो क्या होता है, जो कैल्शियम है, कैल्शियम हमारे बोन्स को और हमारे टीथ को, हमारे दांतों को क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है. और जो आयरन है ये हमारा जो ब्लड होता है उसको क्या करता है? इंक्रीज करता है. जैसा हमें पता है ब्लड में सेल्स होती हैं, आरबीसीज होती हैं, हेमोबीसीज होती हैं, रेड ब्लड होते हैं. तो जो ये आयरन है ये हमारे ब्लड को इंक्रीज करता है, रेड ब्लड सेल्स को इंक्रीज करता है. उसके बाद आयोडीन, हमें पता है आयोडीन प्रेजेंट होता है किसमें? सॉल्ट में, नमक में प्रेजेंट होता है. तो हमारे जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, ताकि वो नॉर्मली ना फंक्शन करे, तो हम इसीलिए क्या खाते हैं अपने डाइट में? आयोडीन एंड सोडियम. ये भी हमें पता है जब किसी को प्योरिटी या कॉन्स्टेंटली लूज मोशन हो गए होते हैं, तो उसका जो सोडियम का लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम चला जाता है. सोडियम भी एक सॉल्ट होता है, ठीक है, तो ये भी इंसान के लिए जरूरी है. तो अब आयरन है, आयोडीन है, सोडियम है, कैल्शियम है, तो ये सारे क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं. और इनकी वजह से एक हमारे बोन्स बनेंगी, टीथ बनेगा, और हमारे जो ब्लड है ब्लड सेल्स है वो इंक्रीज होंगे, बाकी चीज़ें अच्छे से नॉर्मल से फंक्शन में आएंगे. अब यहाँ तक तो हमने कर लिया मिनरल्स क्या होता है, क्या इनमें क्या क्या टाइप्स आते हैं. अब यहाँ पे हमें अनप्रेजेंट वेजिटेबल्स, क्योंकि हमें मिनरल्स खाने हैं ना, तो हमें अपने डाइट चार्ट में लाना है ना, तो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, फिश है, ठीक है, तो इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? यही मिनरल्स. वेजिटेबल्स जो होते हैं ये सॉइल से उगते हैं, इसीलिए वेजिटेबल्स में ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. और जो मिल्क है, मिल्क में कैल्शियम होता है.
उसके बाद रफेज फाइबर। हमें पता है कि फाइबर क्या होता है, रफेज होता है, फूड होता है। इट डज नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, इसमें ना मिनरल्स होंगे, ना विटामिन्स होंगे, ना और कोई चीज होगी इसमें, लेकिन फिर भी हम ये खाते हैं। नॉर्मल मोमेंट हमें पता होगा जब हम खाना खाते हैं उसकी डाइजेशन होती है, वो एसोफेगस के थ्रू जब स्टमक में चला जाएगा, हमारे टमी से वो सीधा जाता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइंस में, और स्मॉल इंटेस्टाइंस में जाके जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइंस में। उसके बाद उसको एलिमिनेट करना होता है, जो हम वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, हमें जैसे कि स्टूल वगैरह पास करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, तो वो बहुत मूवमेंट नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी कोई जो इंसान होगा उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, यानी वो एलिमिनेट करने में उसको टाइम लगता है, या वो एलिमिनेट ठीक से नहीं कर पाता जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। उस टाइम पर हम क्या करते हैं, हम फाइबर खाते हैं, फाइबर फूड देते हैं, ताकि हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो डाइजेस्टिव फूड है, वो अच्छे से एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो फाइबर इज प्रेजेंट इन स्किन एंड फ्रेश फ्रेश फूड्स। जैसे हम एप्पल खाते हैं, हम और कुछ खाते हैं, एप्पल का जो पील है, एप्पल का जो छिलका है, उसको भी हम खाते हैं ना, तो वो एक फाइबर फूड है, फाइबर है, फाइबर फ्रेज है, वहाँ पे फाइबर फ्रेज है, तो उसका पील ऊपर का छिलका होता है, वो हम खाते हैं ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो, हमारा जो मूवमेंट है वो ठीक से रहे। उसके बाद है पानी का, हमें पता है हम हमें पीने ही पीने हैं दिन में, क्योंकि हमें पता है हाफ ऑफ अवर बॉडी, हाफ ऑफ बॉडीज वेट इज वाटर। जो इंसान का जिस्म है वो हाफ ऑफ किसका बना होता है, पानी का बना होता है, वाटर का बना होता है। इसीलिए हमें इस वाटर की लेवल को, अपनी बॉडी को पूरा क्या रखना है, हाइड्रेटेड रखना है। किसी को जो लूज मोशन होते हैं उसको भी बोला जाता है कि आप पानी अच्छे से पियो, किसी को यूरिन खराब रहता है उसको क्या बोलते हैं, आप पानी अच्छे से पियो। क्यों, इससे हमारी जो किडनीज है वो भी क्या रहेंगी, हेल्दी रहेंगी, और हमारी जो स्किन है वो भी अच्छी रहेगी, हमारे मसल्स जो है वो भी अच्छे से ग्रो करेंगे। इसीलिए वाटर जो है 8 से लेकर 10 ग्लासेस हमारे लिए हर रोज जरूरी है। ठीक है, आप अच्छे से इसको नजर दें। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके, आपको स्कूल भी आना है, आपको एग्जाम्स भी हम लेंगे, वाइवा भी होगा, इसलिए अच्छे से पूरी तरीके से आप तैयारी करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।